दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने दावा किया है कि दिल्ली में हुए उपचुनाव में भाजपा को सभी सीटों पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने वादों के अनुसार काम नहीं कर रही है। देखना यह होगा कि 3 मार्च के रिजल्ट में क्या जयप्रकाश का दावा सही होता है या गलत। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश से खास बातचीत की के न्यूज संवाददाता चंदन झा ने, आइए देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एमसीडी के बाईपोल्स हुए हैं। बाईपोल्स में बीजेपी का दावा है कि उन्हें 5 की 5 सीटें मिलेगी। अभी हमारे साथ हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, क्या कहना है, जो बाईपोल्स हुए हैं एमसीडी के, उसमें कितनी सीट आने की उम्मीद है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी। ज़्यादा मतलब कितनी बताइए? देखिए, जो अंदाजा क्या है, 5 जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो 5 चुनाव, 4 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद विधायक बन गए थे उन्होंने सीटें खाली करी थी, 4 सीट वो थी, 1 हमारी पार्षद का दुखद मौत हुई थी, 1 सीट वो थी। तो जो हमारी अपनी सीट है वो तो हमारी आ ही आएगी। हम आम आदमी पार्टी की सीट को भी छीन कर गलाएंगे। आम आदमी पार्टी की सीटें घटने वाली है और भाजपा की सीटें बढ़ने वाली हैं। जयप्रकाश जी ने दावा किया कि 500 सीट बीजेपी के पास आएगी, और ये दावा कहाँ तक सच होता है 3 मार्च को रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। मैं चंदन झा, के न्यूज़ दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।